देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है कि सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जो आप कोई सॉलिड है आपके पास, तो सॉलिड के प्रॉपर्टी में जानते हैं उसकी शेप क्या होते हैं भाई, फिक्स होते हैं। इसका वॉल्यूम भी क्या होता है आपका, फिक्स होता है। बट काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जानते हैं कि कोई भी आपके मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं। बट जो सॉलिड के जो आपके शेप फिक्स होने के कारण क्या है आपका, हाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, जब क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के, कह सकते हैं एटम्स के बीच अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या है, बहुत हाई है। यहां समझिए, सपोज कीजिए आपका ये सॉलिड दूसरे सॉलिड है, तो इस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या है, हाई है, तो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास आएंगे। मीन्स जब ये एक दूसरे को पास करेगा, मीन्स इसके बीच जो स्पेस होंगे भाई वो क्या होगा, एकदम लो होगा, ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। तो सिंपल कह सकते हैं, ड्यू टू द हाई इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने के नाते एटम्स के बीच या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच जो आपका स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब देखिए, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल्स अपनी पोजिशन पे क्या करेंगे, रहेंगे। जब ये अपने ही पोजीशन पे रहेंगे मीन्स मूव नहीं कर पाएगा, और जब ये मूव नहीं कर पाएगा मीन्स उसके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ही लो होगी। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो आपका एनर्जी होता है वो केबल और केबल क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। मतलब अपने ही पोजीशन पे क्या करता है, आगे पीछे वो क्या करते हैं भाई, वाइब्रेट करते हैं। तो सिंपल कह सकते हैं, सॉलिड का फिक्स होने के कारण क्या है, ड्यू टू द हाई इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब समझिए, अब देखिए, एक ही साथ इस तीनों को क्या करते हैं, हम लोग समराइज कर लेते हैं, क्योंकि नाइन्थ में आप डिटेल पढ़े ही होंगे। सपोज कीजिए आपका ये सॉलिड, ये लिक्विड, आपका ये गैस। तो अगर हम लोग मॉलिकुलर डायग्राम से पढ़ें तो जानते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होंगे, और लिक्विड के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होता है, थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो आपके ये होते हैं एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई होगा तो इसकी शेप क्या होगी आपका, फिक्स होगा, कह सकते हैं शेप आपका फिक्स होगा। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या आपका कम है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, अपने पोजीशन को छोड़ रहा है, तो यहां से कह सकते हैं उसकी शेप आपका फिक्स नहीं होगा। तो कह सकते नॉट डिफिनिट शेप, नॉट डिफिनिट शेप। तीसरी चीज क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच जानते हैं कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। जब ये ना के बराबर होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने मन का हेयर एंड देयर मोशन करेंगे। जब ये हेयर एंड देयर मोशन करेंगे फिर इसका भी आपका फिक्स शेप नहीं होगा। तो कह सकते हैं नॉट डिफिनिट शेप, सिंपल। अब देखिए, तो जब इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या था, हाई था, इसमें थोड़ा लो, क्या था इसमें सबसे लो था, तो शेप आपका जब फिक्स नहीं है, तो जब लिक्विड को क्या करेंगे, जिस कंटेनर में पुट करते हैं उसी कंटेनर का क्या करता है, ये शेप ले लेता है, और गैस को भी जिस कंटेनर में पुट करते हैं उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो जानते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसकी शेप फिक्स होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। जब ये अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी भाई, लो होगी।
लेकिन लिक्विड की एनर्जी क्या होगी इसमें, इसके कंपेरिजन आपका हाई होगा, कह सकते हैं मोर एनर्जी होगा, और इसमें क्या होगा सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगा। तीसरी अगर हम लोग बात करें डिफ्यूजन का, मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें हाई होगा और किसमें स्लो होगा। देखिए डिफ्यूजन जो आपका होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल मीन्स वन मैटर जब अनदर मैटर में मिक्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। तो देखिए जिसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं कर पाएंगे तो मिक्स कहां हो पाएंगे भाई, मतलब इसका क्या होगा लो होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन एकदम लो होता है। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल देखिए आपका मूव करता है, इसके कंपेरिजन आपका लिक्विड में जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो क्या होगा आपका हाई होगा, और जो गैस का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ एडक्शन नेग्लिजिबल होता है, इसी में जो आपका इंटर कह सकते हैं डिफ्यूजन का रेट होगा सबसे क्या होगा हाई होगा। अब देखिए वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो देखिए सॉलिड की क्या होती है आपका शेप फिक्स होता है, शेप फिक्स होगा तो सिंपल इसकी कह सकते हैं वॉल्यूम भी क्या होगा आपका फिक्स वॉल्यूम होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच देखिए आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन क्या होता है आपका कम होता है, फिर भी इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। ऐसे सपोज कीजिए जैसे सपोज किया 100 ml हम लोग क्या करते हैं वाटर लेते हैं, इसको भले आप कंटेनर क्या करेंगे चेंज कीजिए आपका ml क्या होगा सेम होगा, तो सिंपल कह सकते हैं कि इसका भी आपका वॉल्यूम क्या होता है फिक्स होता है। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो आपका नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होगा तो ये क्या करते हैं अपने मोशन करते रहते हैं, तो इसका क्या होगा वॉल्यूम क्या होगा फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब दूसरी चीज एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है गैस के कॉन्सेप्ट से कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्लीटली वेसल को क्यों फिल कर देते हैं, क्वेश्चन है देखिए। व्हाई डज गैसेस मॉलिक्यूल completely fill the container। देखिए ये क्या कह रहा है भाई कि गैस के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसमें कंटेनर कंप्लीटली फिल क्यों होता है, क्योंकि जानते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही लो होता है, जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो होगा तो वो क्या करेंगे मूव करेंगे रेंडम डायरेक्शन में। सपोज कीजिए आपका ये कंटेनर है तो ये अगर इसमें गैस क्या करते हैं आप फिल कर देते हैं तो इसके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है जिसको हो सकता है यहां मूव करे ये करे ये करे, मतलब पूरा कंटेनर ये क्या करते हैं आपका मूव करते रहते हैं। जब ये पूरे कंटेनर में मूव करेंगे तो सिंपल कह सकते हैं पूरा कंटेनर को फिल करेगा, दैट्स व्हाई द गैस मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली फिल द कंटेनर। क्लियर है? अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई डज गैसेस मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स applies pressure on the wall of container। देखिए ये क्या होता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर में फिल करते हैं उसके वाल पे प्रेशर क्यों एग्जर्ट करते हैं। अब समझिए ये देखिए आपके गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई बहुत कम है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा तो ये क्या करेगा इस वाल से आपका ट्रक आएगा स्ट्राइक करेगा, और जब इस वाल से स्ट्राइक करेगा मींस क्या क्रिएट करेगा आपका फोर्स क्रिएट करेगा,
और हम लोग जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो सिंपल कह सकते हैं ड्यू टू द नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इट स्ट्राइक्स या इट कोलाइड्स विद द सरफेस ऑफ द कंटेनर एंड अप्लाइज अ फोर्स एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दैट्स व्हाई द गैसेस मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यहां से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहां एक बात हम लोगों की क्लियर आई कि आपके सॉलिड लिक्विड गैस तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। मीन्स आपका क्या ये सॉलिड है, लिक्विड, और क्या आपके ये गैस है। तो आपको ये भी पता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को क्या कर सकते हैं, गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना होगा, और मॉलिक्यूल्स को जब दूर दूर करना होगा तो टेम्परेचर या आपको हीट बढ़ाना होगा। तो सिंपल कह सकते हैं यहाँ पे हीट करेंगे तो हो जाएगा। जब लिक्विड को क्या करना होगा, गैस या वेपर में कन्वर्ट होना होगा, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम लोग को कम करना होगा। तो सिंपल कह सकते हैं इसको भी हीट करना होगा। बट जब मॉलिक्यूल्स को मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स को कूल करेंगे तभी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पास पास आएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो लिक्विड क्या, गैस क्या होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इसको सिंपल कह सकते हैं कूल, और इसको भी क्या करना होगा, आपको कूल ही करना होगा। तो ये क्या था आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। ये सर देखिए नाइन्थ की चीजें बस हम लोग ब्रीफ समराइज कर रहे हैं ताकि आपको कुछ याद हो जाए। फिर अब हम लोगों को आगे की वीडियो में पढ़ना है कि मैटर का क्लासिफिकेशन, वो भी आपका मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, फिर होमोजेनियस हेटरोजेनियस, इसको थोड़ा ब्रीफ में समराइज करके फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। थैंक यू।